जो मुझे सुपर ने जो स्टोरी सुनाई थी, जो डायरेक्टर है हमारे, तो उसकी स्टोरी में मुझे ये बहुत अच्छा लगा था कि इसमें एक इमोशनल एंगल है, ट्रायंगल है, जो पेरेंट्स और उस बच्चे के बीच का जो ट्रायंगल है वो बहुत ही इमोशनल है। तो चूंकि मेरी बेटी भी 2 साल की है तो, और इसमें जो इसमें बच्ची है, तो बहुत ही जल्दी कनेक्ट कर लिया था मैंने कि इसको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे कोई एक सीन हो भी होगा इस फिल्म में जिसमें मेरे रियल ओरिजिनल जो इमोशन है मेरी बच्ची के लिए, वो अगर स्क्रीन पे आ जाएंगे, एक्चुअली हम भी वही सेल करते हैं अपने इमोशन का, तो काइंड ऑफ थिंग के वो इससे खूबसूरत और बात क्या हो सकती है कि आपके रियल लाइफ में जो आपको एक्सपीरियंस होता है, जो आप जिन इमोशन से गुजरते हो, आप उनको फिर स्क्रीन पे शेयर करते हैं। तो इसलिए ये फिल्म मेरे लिए बहुत ज़रूरी था करना। बिपाशा के बारे में जो मैंने भी नोटिस की, जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि एक तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी है उस उनकी स्टेज पे कि जिसकी वजह से सब लोग बहुत ही इजीली सबका काम में ध्यान रहता है। एक तो मैंने ये, और सबको बहुत ही पैम्पर्ड करती हैं बिपाशा, और दूसरा इतना प्रोफेशनल हैं कि जब तक वो सेट पे हैं अपना काम करेंगी, उसके बाद लाइक जिस तरीके से उन्होंने सरेंडर किया इस फिल्म में, आप परफॉर्मेंस देखेंगी तो आपको मालूम हो जाएगा कि मेरे ख्याल से बिपाशा की बेस्ट परफॉर्मेंस होगी ये अब तक की। मेरे ख्याल से आमिर पहले एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो इतने अवेयर हैं सोसाइटी को लेके, और दूसरे एज एन एक्टर वो, मैंने उनके साथ काम किया है, ही इज़ सच ए वंडरफुल को एक्टर। मेरे साथ मैंने सब दुनिया का पहले सबसे पहले जो कैमरा फेस किया था आमिर साहब के साथ ही किया था, और फिर अब तलाश में किया था, उसके बाद पीपली लाइव भी की, उन्होंने प्रोड्यूस की थी। डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स वो प्रमोट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। मेरे ख्याल से ये सिर्फ इकलौते सुपरस्टार और बहुत अच्छे एक्टर हैं जो इस तरह की फिल्में करते हैं और प्रमोट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं।